हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आपकी अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करूंगी। अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि अकाउंटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग आप लोग समझते हैं, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रकार का लेन देन होता है। जैसे आप किसी से कोई वस्तु खरीद लेते हैं, वस्तु खरीदने के बाद उसके बदले में आप उसको कैश दे देते हैं, वो हमारा क्या है? एक लेन देन हो गया। एक व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस में लाभ हानि नकदी धार संपत्ति आदि का विवरण रखना मुश्किल हो जाएगा। अकाउंटिंग बिजनेस की वित्तीय गतिविधि को रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, अकाउंटिंग पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में लिखित रूप से जानकारी रखता है। अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है उतना ही कला भी है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टू टाइप्स की होती है, मैनुअली अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअली अकाउंटिंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले समय में जो भी कार्य किए जाते थे वो एक कॉपी और पेन के थ्रू यानी कि मैनुअली किए जाते थे। पर आज के टाइम में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो उसको मैनुअली कर सके। मैनुअली अकाउंटिंग जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, एक पेपर आधारित अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें जर्नल और लेडर रजिस्टर वाउचर अकाउंटिंग बुक्स का उपयोग किसी संगठन के वित्तीय लेन देन को स्टोर वर्गीकृत और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर छोटे व्यापारी किया करते हैं, जैसे कि एकमात्र मालिक दुकानदार आदि जो कम लागत के कारण व्यापार लेन देन के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए मैनुअली अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। सेकेंड आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जैसा कि अब आप सभी लोग जानते हैं, आज के समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना बिजनेस रिकॉर्ड एक मैनुअली रख सके, इसलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी कि किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड को कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर द्वारा आप रिकॉर्ड कर अपने पास रख सकते हैं। जिस तरीके से आपका टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर है, टैली ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स ये आपका सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपका जितना भी बिजनेस रिकॉर्ड होता है उसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। टैली प्राइम, इसके अंदर भी आप अपना बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं। मार्ग सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आप बहुत सारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो जो टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी वो टॉपिक्स है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे मैंने भी बताया भी था, अकाउंटिंग एक प्रकार का लेन देन है। अकाउंटिंग क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। अकाउंटिंग टू टाइप्स की होती है, मैनुअली अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअली अकाउंटिंग क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट रहेगा आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है, इसके अंदर कैसे यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का रहेगा इंट्रोडक्शन टू टैली।
टैली, टैली क्या है, टैली कितने टाइप्स की होती है, टैली के अंदर कौन कौन से वर्जन यूज किए जा रहे हैं, टैली के अंदर कितने अप्रोच होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टैली के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वर्जन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी कि टैली के अंदर अभी तक जितने भी वर्जन यूज किए जा चुके हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्जन कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंपनी क्रिएट। टैली, टैली के अंदर आप कैसे कंपनी को क्रिएट कर सकते हो, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका। लेजर एंड यूनिट, जैसे आप सभी जानते हैं लेजर जिस तरीके से आप क्या करते हो बिजनेस में लेन देन करते हो, किसी से कोई सामान परचेज करना, किसी को कोई सामान सेल कर देना, तो उसके लिए भी लेजर मेंटेन किए जाते हैं टैली के अंदर। और वो लेजर क्या होते हैं, एक्सपेंसेस है यानी कि अंडर किसके आते हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है या एसेट्स है, तो हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे टैली के अंदर। उसके बाद आता है यूनिट्स। यूनिट्स जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो हम उसको एक यूनिट में परचेज और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रूट्स परचेज किए हैं, तो जो फ्रूट्स आपने परचेज किए हैं वो आप कैसे परचेज करेंगे, यानी कि केजी में परचेज करते हैं, किलोग्राम में परचेज करते हैं, तो टैली के अंदर हम यूनिट्स बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप्स एंड कॉस्ट सेंटर। टैली के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स मिलते हैं जो कि आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप के बारे में समझेंगे कि टैली के अंदर आप प्राइमरी ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉस्ट सेंटर, टैली के अंदर जो डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं वो सब आपके कॉस्ट सेंटर के अंदर ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्राइस लिस्ट। टैली के अंदर प्राइस लिस्ट क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ये टॉपिक हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आएगा ऑर्डर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आप कोई भी चीज बेचते हैं या खरीदते हैं, खरीदने के बाद आप क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, तो टैली के अंदर आप ऑर्डर कैसे बना सकते हैं, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिजेक्शन। जब भी कोई गुड्स डिफेक्टेड होने के कारण वापस भेज दिया जाता है तो उसके लिए रिजेक्शन बनता है। इसी तरीके से रिजेक्शन और बनता है जब भी कुछ डैमेज गुड्स आपके पास वापस आ जाए तो वहां पे रिजेक्शन आउट बनता है। डिलीवरी नोट, जैसे ही आप कोई चीज सेल्स कर देते हैं, सेल्स करने के बाद आपको एक डिलीवरी नोट देना पड़ता है, तो टैली के अंदर हम लोग डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट कैसे बनाएंगे वो चीज हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी को, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी, जीएसटी विभिन्न प्रकार के करों को मिलाकर बनाया जाता है। जीएसटी कितने टाइप्स की होती है, जीएसटी 3 टाइप्स की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैली के अंदर आप जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, किस स्टॉक पर आप कितना जीएसटी कट कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, ये भी आपको टॉपिक क्लियर कराया जाएगा कि टीडीएस क्या होता है, किसके ऊपर काटा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराऊंगी, सबसे फर्स्ट टॉपिक मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू टैली, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वर्जन ऑफ अकाउंटिंग, कंपनी क्रिएट, लेजर, यूनिट्स, ग्रुप्स, कॉस्ट सेंटर, प्राइस लिस्ट, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नॉट, रिसिप्ट नॉट, जीएसटी, टीडीएस, ये टॉपिक्स मैं आपको टैली के अंदर क्लियर कराऊंगी। थैंक यू।